हाँ जी, मेरे पास बहुत सारी ये क्वेरीज आ रही थी कि जनाब रोस्ट हम बनाते हैं अच्छा नहीं बनता, कभी सॉफ्ट हो जाता है, फ़ौरन तो निकालते हैं तो लगता है क्रिस्पी है। बट मैं आपको बताऊं कि जब आप रोस्ट बनाते हैं, एक तो आपने चिकन को स्टीम कर लिया, स्टीम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े फ्रायर ऐसे नहीं होते कि हम उसको इतनी देर तक फ्राई करें कि हमारी चिकन अच्छी क्रिस्पी हो जाए। उसका तरीकेकार यही कि आप उसकी कोटिंग जो है वो आपने बहुत अच्छी करनी। कोटिंग में जब आप मैदा लेते हैं, मैदा है उसका 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून उसमें कॉर्नफ्लावर डालिएगा, नमक, पेपर का पाउडर, थाइम, ओरिगैनो, लहसुन का पाउडर वो डालिएगा। उसके बाद इस क्वांटिटी में आपने डालना है 1 टीस्पून लेवल आपने शामिल करना है उसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी आप उसमें सोडे की शामिल कीजिएगा, अच्छे से छान लीजिएगा। फिर आपने जो चिकन स्टीम करके रखी है उसको आपने क्या करना है, हल्का सा पानी का स्प्रे करना है, पानी का स्प्रे कीजिए। उसके बाद सारे चिकन के पीसेस उसमें डालें जो ड्राई हमारा मिक्सचर है, और उसके बाद खूब अच्छे से रब करें। जितना अच्छा आप रब करेंगे तो उसके जो बारीक बारीक आप देखते हैं कि स्केल्स बन जाते हैं वो भी बनेंगे, और आपकी इंशाल्लाह ताला जो चिकन है वो भी बहुत अच्छी क्रिस्पी होगी और बहुत देर तक क्रिस्पी होगी। इंशाल्लाह ताला बनाइएगा तो मुझे बताइएगा।